तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं, तो मैं और अदिति सोच रहे हैं कि आज हमें आईपी यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उस बताना चाहिए आपको कैसी है वो, उसको हम और यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी और IITs NITs। तो इस व्लॉग को आगे देखना। मैं यूनिवर्सिटी का टूर पहले स्पोर्ट्स से शुरू कर रहा हूँ। तो ये बैडमिंटन कोर्ट है, ये इंडोर है यहाँ पे। और वो तो तुम्हारे NSIT में भी नहीं है इंडोर ना? नहीं। कोई ग्राउंड है तुम्हारे यहाँ पे? ग्राउंड तो है, लेकिन बैडमिंटन कोर्ट का इंडोर है ना। ये देखो, ये पूरा इंडोर कोर्ट है जहाँ हम रोज शाम को हमारी यही करती है। अब तो बहुत भीड़ होने लग गई, 8-9 बंदे आते हैं। हाँ, पर सुबह वैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक कोर्ट कम है, ज़्यादा होने चाहिए। अब इसके बाद ये देख, दो ही बेंच है बस बैठने के लिए। और गाइस, ये पीछे स्विमिंग पूल है, ये मैं बचपन, मतलब मेरे को 2 साल तो इस कॉलेज में हो गए, और इससे पहले का बन रहा है, अभी तक शुरू नहीं किया। यह ताला लगाया हुआ है और अभी तक ताला ही लगा हुआ है, यहाँ पे शुरू ही नहीं करने को आ रहे। और यार, ये वॉलीबॉल कोर्ट है, 1, 2, 3 ये IP में, और एक चौथा वहाँ पर है, ये टेनिस कोर्ट के पीछे है। तो 4 कोर्ट हैं, जो एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ही हैं। और मेरे ख्याल से इनकी NSIT में तो एक भी नहीं है वॉलीबॉल कोर्ट। दो कोर्ट तो नेट है उन कोर्ट्स में। हाँ, बिल्कुल है। खेलता है कोई? हाँ। तुम्हारी टीम का कहीं दूर दूर तक नाम? हम तो खेलते हैं, हमारी क्लास के बच्चे खेलते हैं। हाँ। तू कब खेलने लगी? मैं खेलती हूँ, मैं ब्रेक में कभी। इसे देख कर बताओ, ये मोटी खेलती होगी कुछ? क्या देखियो। और गाइस, ये पीछे 3 टेनिस कोर्ट, बस एक बैडमिंटन कोर्ट यार एक है, और उसमें ही सबसे ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं शाम को खेलने के लिए। मेरे को समझ नहीं आता कि उनको, वो एरिया सारा खाली था, साइड में सारा जंगल पड़ा है, कि दो भी बना देते कोर्ट तो एटलीस्ट वहाँ खेलने के लिए अच्छा खासा स्पेस हो जाता है। एक कोर्ट में 12 बंदे नहीं खेल सकते हैं, और एक बारी आने में ही काफ़ी टाइम लगता है। और चलो, तेरे को नहीं खिलाएंगे। और गाइस, ये देखो, ये एक बास्केटबॉल कोर्ट और ये दूसरा कोर्ट, मतलब हाँ एक और ये दो कोर्ट हैं यहाँ पे। ये भी बहुत सही है, और यहाँ भी अच्छे खासे प्लेयर खेल लेते हैं। और गाइस, ये बॉयज़ हॉस्टल है और वो गर्ल्स हॉस्टल है, मतलब इतनी पास हॉस्टल बनाए हुए हैं कि आमने सामने सही रोमांस चलता है इनका सारा दिन। यार, ये पीछे अमूल देख रहे हो, ये 8 बजे तक खुला होता है, और काफ़ी सही है यार यहाँ। अच्छा, बेंच पे बैठ के अपना पीछे सारा व्यू देखो, और शाम को तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। अगर आपको अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए और आपको शेक एंजॉय, कहते हैं ये भी अमूल की तरह ही है। और यहाँ पे हॉट चॉकलेट और मैगी मेन हाईलाइट है। हाँ, हमने अनुगुंज में खाया था ना। हाँ, मैगी ना। तो गाइस, दिस इज अ बस जो IP यूनिवर्सिटी ने शुरू कर रखी है, और ये बस सुबह 8:15 पे शुरू होती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको द्वारका 14 के मेट्रो पे लेके जाती है। IP यूनिवर्सिटी 16 सेक्टर में है, यहाँ से आपको डायरेक्ट द्वारका 14, और वहाँ से फिर वापस आती है। इसके टाइमिंग्स होते हैं, मेरे को 8:15 पड़ता है, दोपहर को ये रेस्ट होती है, फिर शाम को चलती है। और अगर कोई आउटसाइडर इसको हाथ देता तो उसके लिए भी रुक जाती है। ये यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अच्छा चला रखा है, मेरे को नहीं लगता कि कोई और जैसे IIT इसमें होता होगा, पता नहीं, लेकिन DU VO में ये सब नहीं होता। IP ने ये भी शुरू कर रखा है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगती है। इवन जब मैं सुबह कई बार कॉलेज जाता हूँ यहाँ से, तो मैं ये बस ले लेता हूँ। तो यार, ये IP का बजट तो बहुत होता है, या गार्ड्स वगैरह भी बहुत होते हैं। इस वक्त तो हम कौन सा डिपार्टमेंट है? नहीं, एनवायरमेंटल स्टडी का डिपार्टमेंट है, और यहाँ के नाम भी ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, और
इनका आज तो दिवाली फेस्ट है ना, क्या डेट है आज? 23। हाँ आज दिवाली फेस्ट है, अगर आप लोग आ पाए तो जरूर आए यहाँ पे, और ये 3 दिन चलेगा। यार इस यूनिवर्सिटी में तो दिवाली का फेस्ट है 23 और 3 दिन चलेगा, और देखना चाहिए, बहुत अच्छी डेकोरेशन, रंगोली और डीजे वगैरह भी होता है। और मेन फेस्ट आईपी का फेब में होता है अनुगुंज, जो कि 3 दिन चलता है 9, 10, 11 को। तुम्हारा एनएसआईटी का कब होता है? मार्च में होता है, 15, 16। तुम्हारे में बल्कि जो वो आते हैं ना मेन, वो कौन होते हैं सिंगर्स वगैरह, वो स्टार नाइट, वो अच्छी होती है तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ आईपी की तो अच्छी होती नहीं, पता नहीं सिंगर ही बेकार बुला लेते हैं। बजट तो इनका पता नहीं, स्पॉन्सर तो इनकी पेप्सी होती है, बुला पता नहीं किसको लेते हैं। पिछली बार कैलाश केयर आया था, कैलाश केयर अच्छा था क्या? क्या अच्छा, कौन सा लव सेक्स और धोखा गा रहा था यहाँ के? हाँ, हम मैकडी चले गए थे उठ के, तंग कर दिया था उसने उसके, फिर पता नहीं क्या गाने लग गया। सलीम सुलेमान आए थे, वो तो अच्छा था। हाँ वो तो अच्छे है। तो वैसे दिवाली फेस्ट की एक्सपेक्टेशन चलती है, बच्चे हर साल कुछ ना कुछ अच्छा करते ही रहते हैं। पीछे लाइब्रेरी है, वो बैठा गार्ड, 2 फ्लोर की है, अंदर जा नहीं रहा मैं, क्योंकि अंदर जा नहीं, फ़ोन भी अलाउड नहीं होगा और ले जाने भी नहीं देंगे, दिक्कत डालेंगे। तो मैं यहीं से दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ये शीशा लगा हुआ है, ये है इसके ऊपर, ये भी लाइब्रेरी है। तो यार जैसे आप फ्रेशर्स हैं, तो मैं अभी आईपी यूनिवर्सिटी में बैठा था, आपका मन होगा अगर आईपी यूनिवर्सिटी में आना है तो एक बात बता दूं, अगर आपका मेन कैंपस होता है तो यहाँ 2 कोटा होते हैं, एक आउटसाइड दिल्ली का जिनका थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ एडमिशन होना, उनको काफ़ी अच्छी रैंक चाहिए होती है, और जो इनसाइड दिल्ली है उनका 6,000 में भी या केमिकल में हो जाएगा। आईटी और सीएस मिलना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पूरी ऐश है, वहाँ अटेंडेंस का भी कोई सीन नहीं है, जैसे अग्रसेन हो गया, सूरजमला अगर आप बीटेक में लेते हैं, और मार्क्स भी मिल जाते हैं इंटरनल में, मेरा खुद आधा मार्क्स आया था, मेरे 25 में से 25 लगा के भेजे थे टीचर्स ने। लेकिन जो मेन कैंपस है यहाँ, भूल जाओ यहाँ मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं मिलते, जितने आपके इंटरनल सेशनल में मार्क्स आएंगे उतने ही लगेंगे, चाहे वो आधा है तो आधा ही लग के जाएगा। और दूसरी बात, मेन कैंपस में आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, यहाँ पे फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, डिपार्टमेंट वाइज अलग फेस्ट होते हैं, जो मेन फेस्ट होता है अनुगुंज का वो फेब में होता है, और दिवाली फेस्ट अलग होता है, होली कॉम्पिटिशन अलग होते हैं, तो ये सारा मज़ा है। और अगर आप NSIT DTU से कंपेयर करेंगे तो मेन कैंपस सिमिलर ही है वहाँ से, बस यहाँ की थोड़ी प्लेसमेंट वहाँ से कम होगी, लेकिन मार्क्स वहाँ भी ऐसे मिलते हैं। DU और IIT के जो एफिलेटेड कॉलेज हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, क्योंकि DU के भी कॉलेजेस में मार्क्स दे देते हैं, वहाँ पे भी इतना कुछ रोना नहीं होता अटेंडेंस को लेके, तो बस यही सब है यहाँ पे, और तो ऐसा कुछ खास है नहीं मेन कैंपस में। और हाँ सुंदर है काफ़ी, लेकिन इसका कैंपस जो आप जैसे NSIT और DTU से कंपेयर करेंगे तो IIT से भी इवन आप कंपेयर करें तो काफ़ी छोटा है, 90 एकड़ में बना हुआ है, क्योंकि IIP कैंपस 2 कैंपस में डिवाइडेड है, एक तो यहाँ द्वारका में है, एक इसका साउथ कैंपस में है मेन कैंपस। गाइस ये पीछे हेल्थ सेंटर है, किसी को चोट वोट लग जाए, इस बहन को लगी थी एक बार, कैसे लगी थी बताइयो, कार को ठोकर मार दी थी और कुट टुक के आ गई, मेरे को फोन कर रही है, हेलो हेलो, मैं गिर गई, मेरे को देखने आ जा। यार मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वहाँ 3 कोर्ट हैं वॉलीबॉल के, ये रहा चौथा, पीछे 4 कोर्ट हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है, वॉलीबॉल तो आराम से खेलो। और मेन ग्राउंड की तरफ लेके जा रहा हूँ अभी मैं, मेन ग्राउंड दिखाता हूँ आपको कैसे है। और गाइस ये पीछे पूरा ग्राउंड है आईपी का, एक ये एक एंट्रेंस पे है, वो उस पर झाड़ी होगी रहती है, उसको मेंटेन नहीं करते रहते स्पोर्ट्स के लिए, तो यही यूज़ में आता है। और वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ पे टेंट लगता है जब फेस्ट होता है या स्पोर्ट्स मीट होती है, अभी गई थी अक्टूबर में हुई थी स्पोर्ट्स मीट, 3 दिन चली थी वो भी, तो वो भी वहाँ टेंट लगता है, वही सारी सेरेमनीज होती है, और स्टार नाइट भी वहीं होती है फेस्ट की। और अच्छा ग्राउंड है यार ये काफ़ी, इतना मेरे ख्याल से DU वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, NSIT का भी इससे छोटा है, DTU का, हाँ DTU IIT इसका इससे बड़ा होता है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है यहाँ का। तो गाइस दिन में तो यही था बस यूनिवर्सिटी में, और कुछ था नहीं, अब मैं आपसे सीधा शाम को मिलूँगा दिवाली का फेस्ट दिखाने के लिए, आपको मेरे को बताना कैसा लगा, तो शाम को मिलते हैं ठीक है। तो गाइस शाम हो गई, वेलकम बैक अगेन,
तो अब सुबह वो दिवाली के फेस्ट की तैयारी तो कर रहे थे यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन अब जाके देखते हैं अदिति आ रही है दोबारा शाम को, और मैं अपने नॉर्मल गेटअप में हूँ, लोअर और सिंपल टी शर्ट और जैकेट में, क्योंकि 24 घंटे मेरे को तैयार होना पसंद नहीं है यार, जीन्स वगैरह डालना मेरे को पसंद नहीं आता वो सब। तो अब जाते हैं देखते हैं कैसा है फेस्ट, दिखाता हूँ आपको मैं। यार मैं सीरियसली बताऊं, शाम का व्यू बेस्ट व्यू है यूनिवर्सिटी में, ये देखो पीछे से बहुत सुंदर लगती है यार यूनिवर्सिटी। अगर आपको वॉक करनी है, देखो एक वो भाई कर रहा है, एक वॉक करनी है या रनिंग करनी है, कोई स्पोर्ट्स खेलना है, तो शाम को बेस्ट टाइम है। इवन अगर हम बैडमिंटन खेलते हैं तो हम तो रात तक खेलते रहते हैं 9 बजे तक, क्योंकि वो बैडमिंटन कोर्ट 12-1 बजे तक खुला रहता है, और बाकी खेल सकते हैं आप, लाइट्स लगी हुई है यार ग्राउंड में तो रात को भी खेल सकते हैं, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल का टाइम होता है, गर्ल्स को 9 बजे तक घुसना होता है, लड़के तो 12-1 बजे तक रह सकते हैं कैंपस के अंदर, घूम सकते हैं, लड़कियों का ऐसा नहीं है, लड़कियों को 9 बजे अंदर जाना होता है हॉस्टल में, फिर हॉस्टल में ही घूमना अलाउड होता है उनका। देखो बैडमिंटन कोर्ट वो पीछे खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे हॉस्टल वाले सारे घर चले गए दिवाली के लिए, त्यौहार के लिए निकल गए, तो खाली पड़ा है। तो गाइस आई एम रियली सॉरी, ये पीछे आप देख रहे हो ये दिवाली के फेस्ट की अभी तैयारी चल रही है, आज फेस्ट नहीं था, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी मेरे को और अदिति को, और ये फेस्ट 24 से है, ये अभी तक इन्होंने पूरा ही नहीं किया, इन्होंने हमें कहा आज शुरू होगा, लेकिन मेरे को दोस्त बता रहा है कि कल से शुरू होगा ये। और यार आई एम रियली सॉरी, मैं आपको फेस्ट नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरे को अपने घर जाना है होम टाउन, मैं वहाँ का दिवाली का व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन मैं ये फेस्ट नहीं दिखा पाऊंगा आपको, तो यार एक गलती माफ़ कर दो। और मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, मैंने कुछ नया ट्राई करा है यूनिवर्सिटी दिखाने का। अगर आपको ये वेरिएशन पसंद आया हो तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं कोई और यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाके उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आया हो, और मैं रोज़ वीडियोज़ बना रहा हूँ, रेगुलर होने की ट्राई कर रहा हूँ, आगे भी रेगुलर ही रहूँगा, भले ही 1-2 दिन लेट हो जाएगी मेरी वीडियो, तो बाय।